ભાઈ બોલ આપી દે દીકરા, પેલો બોલ લે લે. અવાજ લાવો પછી. થાપા કે પાપા ભી આયે હે. ઇલેશ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં ઇલેશ, કામ છે તારું, જરાક આવ ની. ક્વોલિફાયર રાઉન્ડ યાની કે સેમીફાઇનલ મુકાબલા, ટોસ ઇદારા ઠાકર રોકશે ઓર પહેલે ગેંદબાજી કરને કા ફેસલા કિયા હૈ. પહેલે ઓવર કી પહેલી ગેંદ, सन्मान दिया इस बार जड़ में डाली हुई गेंदी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक को एक रन आसानी के साथ पूरा किया 38 सर्कल के अंदर. तो इसी एक रनों के साथ खाता खोला है अपना. और अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जयदीप आहिर जेडी बारसोल. इस तरीके से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जो फील्डिंग की सजावट की है, पूरा वाहिर वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है सीधे. अब पूरा वाहिर को भेजा जा रहा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए. संदीप को शामिल किया गया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 38 सर्कल के अंदर. अगर बात की जाए तो सिंगल रन रोकने के लिए एक्स्ट्रा कवर को शामिल किया है. लालू इस समय फील्डिंग कर रहे हैं. ऊंचा लगाना चाहते थे, इस बार गेंद चली गई सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर. गेंद को फील किया जाए तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया. तो इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है. इस बार फुल टॉस गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, 38 सर्कल के अंदर डायरेक्ट हिट जरूर हुई और रन आउट के रूप में यहां से विकेट मिलेगा. पहला विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में पहली सफलता यहां पर फील्डिंग टीम के नाम. नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है इस बीच अब विकेट के ऊपर. वाइड का इशारा इस बीच अंपायर्स की ओर से. अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ 38 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी. इस बार बल्ला जरूर चलाया था वहां पर, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए बल्लेबाज जयदीप पार्सोल. एक बहुत ही अव्वल नंबर के बल्लेबाज है आहिर समाज से बिलोंग्स करने वाले. इस समय अपने कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई मां शक्ति कृपा 11 के फ्रेंचाइजी ओनर की ओर से. इस बार फुल टॉस गेंद और सही नसीहत, गेंद चली गई डीप इन विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए.
एक विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर इस पिच जा पहुंचा है 15 रन। आखिरी गेंद के ऊपर सिक्स लगाया वहां पर बल्लेबाज जयदीप बारसोल ने, तो उसी 6 रनों के साथ 15 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर एक ओवर की समाप्ति के बाद। अब दूसरा ओवर दूर वाले छोर से इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। आवाज हुए चाय क्रॉस बल्ला जरूर चलाया था, वहां पर गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पूरा वाहिर अपने गोटे का ये पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से पूरा वाहिर ने। स्ट्राइक अंपायर्स के ऊपर है शिव अग्रवाल और स्क्वेलेग अंपायर्स के ऊपर धर्मेश भाई ठक्कर, काफी अनुभवी अंपायर्स को शामिल किया गया इस टूर्नामेंट के लिए। इस बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद नकार दिया, फाइट का इशारा इस बीच अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी वहां पर अपने ही बॉलर थ्रो में हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई, गेंद को फील किया जाए और सही तरीके से थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए इस समय जयदीप बारसोल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है, तो उस प्रकार अब थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बल्लेबाज के लिए। डीप मिड विकेट को शामिल किया गया स्क्वेलेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑन खुला छोड़ा है जयदीप बारसोल के लिए। ऑफ साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो शॉर्ट थर्डमैन गली सिली पॉइंट को शामिल किया गया है, शॉर्ट लेग फाइन लेग शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए। रिवर्स हिप में बल्ला चलाया था इस बार, हल्की सी अपील उससे ज्यादा विश्वास कम न कर दिया, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। केतन भाई आहिर केतन भाई यहां भेजिएगा कमेंट्री बॉक्स में। इस बीच डॉट गेंद लगातार यहां से बिंदी गेंद का सिलसिला चलता हुआ इस बार डाउन द लेग लेग स्टम्प छोड़ती हुई गेंद वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18-18 रन। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ क्वालिफायर राउंड्स यानी कि सेमीफाइनल मुकाबला। इस बार शॉर्ट गेंद थी उसका भरपूर फायदा उठाया है जयदीप बारसोल, के बल्ले से लगने वाला ये सिक्सर और गेंद चली गई सीधे स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। चौबीस रन इसी बीच टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार रिवर्स हिप में बल्ला चलाया, गेंद चली गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30-30 रन मां शक्ति कृपा 11। एक विकेट के नुकसान के ऊपर दो ओवर समाप्त होने के बाद अब फील्डिंग डिसीजन यहां से खुल जाएगा। पावर प्ले समाप्त होता हुआ जा पहुंचा है 30 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद। अब गेंदबाजी के ऊपर संदीप ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है रोड एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज व्योम आहिर सामना करने के लिए तैयार।
नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर जयदीप पार्सोल, इस बार कट किया है, फील्डर मौजूद है लालू, 38 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31-31 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। अब जयजी बारसोल स्ट्राइक के ऊपर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है कप्तान की ओर से। चाय वाले से गुजारिश है कि कॉमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। अजीत भाई कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। अजीत भाई 31-31 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर स्पीच स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जयदीप बारसोल, चार सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी करते हुए इस बार जड़ में डाली हुई गेंद डाउन द ग्राउंड स्टोको खेला है बल्लेबाज ने, गेंद को फील किया जाए वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजिशन के ऊपर फील्डर की ओर से, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 32-32 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, इस समय स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज व्योम आहिर सामना करने के लिए तैयार। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है इस बार 38 सर्कल के बाहर, जमीन के सारे गेंद को फील्ड किया जाए वाइड इस लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 32-32 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 33 रन, इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर 25 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए जयदीप बारसोल अपनी टीम के लिए। इस बार उड़ाया, गेंद चली गई सीधे डीप इन विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, ऊंचाई भी बहुत है और दूरी भी, गेंद चली गई सीधे आउट ऑफ पार्क मैक्सिमम, जयदीप बारसोल के बल्ले से लगने वाला ये पांचवा सिक्सर। स्विच राइट ऑफ द विकेट, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। चाय बिस्किट और वेफर के लिए कांटेक्ट कीजिए अजीत भाई चाय वाला। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक के लिए बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप में बल्ला जरूर चलाया था, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर एक रन आसानी के साथ पूरा किया। अब इसी बीच ओवर की समाप्ति अंपायर्स का इशारा आता हुआ तो तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 42-42 रन। जयदीप आहिर के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है आकाश आहिर की ओर से, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 501 रुपए का इनाम जयदीप बारसोल के लिए। अजीत भाई चाय वाला कांटेक्ट कीजिए वेफर बिस्किट और चाय के लिए, ठीक यहाँ पर जो गेट के बाजू में का शॉप लगा हुआ है साइड स्क्रीन के ऊपर जगदीश आहिर। सबाई अंकित खेरगाम बॉलिंग लाइन के ऊपर, बल्ले का अंदरून हिस्सा और विकेट कीपर का सहारा, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां से लगने वाला ये दूसरा झटका।
जय आहिर ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। अंकित खेरगाम को यहाँ पर पहले ही गेंद के ऊपर सफलता मिली है। अब किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 42 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज, इस बार कट किया है, गेंद चली गई है सीधे लालू के दस्तानों में। गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन, 43 रन। अब जयदीप बारसोल के लिए हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 500 रुपया आकाश आहिर की ओर से और 1100 रुपये का इनाम सुनील बारसोल की ओर से। जयदीप आहिर अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो सुनील बारसोल की ओर से 1100 रुपये का इनाम और आकाश आहिर की ओर से 501 रुपये का इनाम, यानी कि 1600 रुपये का इनाम जयदीप बारसोल के ऊपर, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। अब फील्डिंग की सजावट वहां पर की जा रही है। 43 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। अंकित खेरगाम काफी अनुभवी गेंदबाज माने जाते हैं ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के, और से किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जयदीप स्ट्राइक के ऊपर, इस बार उड़ाया, स्लॉट में गेंद थी, सामने वाले प्लॉट में डिलीवर किया है, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, यूज एन आई आउट ऑफ पार्क मैक्सिमम। इसी 6 रनों के साथ हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 500 रुपये का इनाम आकाश आहिर की ओर से और सुनील बारसोल की ओर से 1100 रुपये का इनाम बल्लेबाज जयदीप बारसोल के लिए। एक सिक्सर लगाने के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह चौथा ओवर चलता हुआ। इस समय जयदीप बारसोल की बात की जाए तो 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 12 गेंदों के ऊपर, 6 सिक्सर शामिल पारी में और आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। स्पीच स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर इनाम सम्मान दिया, इस बार सीधे बल्ले से खेला हैदराबादी लक्ष्मण के स्टाइल में। गेंद को फील्ड किया जाए 38 सर्कल के अंदर पूरा वाहिर की ओर से, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पूरा वाहिर की बात की जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, 38 सर्कल के बाहर ही फील्डिंग के लिए मैंने देखा है। इस समय उड़ाया, गेंद चली गई सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई सफर करवाया है गेंद को और चेयर ऑफ द 50, वेलकम 50 इसी 6 रनों के साथ मां शक्ति कृपा 11, 55 55 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन हैट्रिक सिक्सर के ऊपर इनाम जरूर है, लेकिन जयदीप इस समय पहुंचे हैं 44, 6 रन दूर अपने अर्धशतक से। किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे यह आने वाला समय बताएगा। फुल टॉस गेंद और इसको सही नसीहत पहुंचाया, गेंद चली गई सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, 50 रन पूरे किए यहां से जयदीप बारसोल ने। बल्ला उठाया और अपना आगाज किया सिक्सर के साथ। रन बने हैं, बहुत ही अव्वल नंबर की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। सेमीफाइनल मुकाबले में जयदीप बारसोल इस समय आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 15 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए हैं जयदीप बारसोल ने। 8 सिक्सर लगाकर अभी भी 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए ये पहला अर्धशतक धरमपुर आहिर प्रीमियर लीग जयदीप बारसोल के बल्ले से। फिलहाल पूरा वाहिर ने इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है रोड एंड की ओर से।
इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ये पांचवा ओवर और टीम की ओर से पांचवा ओवर अपने गोटे का दूसरा ओवर लेकर पूरा वाहिर इस समय गेंदबाजी करते हुए रिवर्स में बल्ला चलाया, स्टिकर के ऊपर गेंद जरूर लगी, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर इस समय जा रही है और गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। सिक्सटी फाइव रन 65 रन बने इस समय। डाउन द ग्राउंड स्टोको के लिए बल्लेबाज ने स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जयदीप आहिर की बात की जाए तो यहां पर एक कप्तानी पारी खेली जा रही है। बल्लेबाज जयदीप की ओर से पहले विकेट के ऊपर नजरें जमा कर इस समय बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए हैट्रिक सिक्सर के ऊपर अभी भी इनाम कंटिन्यू किया जा रहा है। आकाश आहिर की ओर से 501 रुपया, 1100 रुपए का इनाम सुनील बारसोल की ओर से और 2000 रुपए का इनाम हिरेन अमेरिका की ओर से जयदीप बारसोल के लिए हैट्रिक सिक्सर के ऊपर अभी भी इनाम कंटिन्यू किया जा रहा है। बल्लेबाज के लिए 66 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर इस समय पूरा वाहिर बल्ले का ऊपरी हिस्सा जरूर लिया है। गेंद चली गई है सीधे शॉर्ट लेग के ऊपर, गेंद को फील्ड किया जाए सीधे फील्डर की ओर से, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज और इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 67 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था यहां पर कप्तान की ओर से। फिलहाल पांच ओवर पांचवा ओवर चलता हुआ कुछ सलाह मशवरा जरूर कर रहे वहां पर दोनों बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए, अब कम से कम एक फाइटिंग स्कोर बनाया जाए यही सोच वहां पर। पूरा वाहिर थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जड़ में डाली हुई गेंद थी इस समय रिवर्स स्वीप में बल्ला जरूर चलाया था, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद बिंदी गेंद काउंट की जाएगी 67 रन टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है। पारी का यह पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर। बीच एक रन और इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पांच ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन पांच ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन बने हैं। आने वाली 18 गेंद से अब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे आने वाला समय बताएगा। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन बने हैं। मां शक्ति कृपा इलेवन और ठाकर रॉक्स के बीच में आज का चलने वाला यह सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। अब काफी इनाम कंटिन्यू किया जा रहा है इस समय जयदीप बारसोल के ऊपर। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर बात की जाए तो आकाश साहिर की ओर से 501 रुपया, सुनील बारसोल की ओर से 1100 रुपये का इनाम, हिरेन यूके अमेरिका की ओर से 2000 रुपये का इनाम, विपुल आहिर की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 501 रुपए का इनाम और लप्पी बारसोल की ओर से भी 501 रुपए का इनाम जयदीप बारसोल के लिए हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। यानी कि ये टोटल काउंट किया जाए तो 3500-4000 रुपया का इनाम लगाया गया है जयदीप बारसोल के ऊपर। 68 रन बने हैं फिलहाल पांच ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच फील्डर मौजूद है और गेंद चली जाएगी सीधे उसके लिए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यहाँ से अब दूर वाले छोर से जो बल्लेबाज थे स्ट्राइक के ऊपर आए जय आहिर उनकी ओर से भी आगाज किया है सिक्सर के ऊपर
74 रन बने हैं। पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ, समय दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज इस बार उड़ाया, फाइन लेग के ऊपर से गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर, हवाई सफर करवाया है, सी यू लेटर लिखकर भेजा है और सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अस्सी रन इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 80 रन बने हैं पारी का ये सातवां छठा ओवर प्रगति के ऊपर। इस समय जय आहिर ने आगाज किया है, 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाए हैं लेकिन हैट्रिक सिक्सर के ऊपर जयदीप बारसोल के ऊपर इनाम है। फिलहाल किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, इस बार पल्ला जरूर चलाया था, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही गेंद और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तरों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। समय 80 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का छठा ओवर चलता हुआ, बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज इस बार एक और फाइन लेग के ऊपर, कॉपी बुक स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, आउट ऑफ पार्क। 86 रन इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 86 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 10 गेंदों का सामना किया जय आहिर ने और बनाए हैं 25 रन, 1 चौका और 3 सिक्सर, आक्रामक मोड में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी मिडल ऑर्डर के काफी तेज आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं अपनी टीम के लिए। किस प्रकार से बल्लेबाजी करना चाहिए और किस क्रम के ऊपर जो भेजा गया कप्तान को, तो वही साबित करते हुए बल्लेबाज जय अपनी टीम के लिए। इस बार ऊंचा लगाना जरूर चाहते थे, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर, 86 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, समय जय बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस निमंत्रण दिया और बल्लेबाज ने कबूल भी किया, गेंद को भेजा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। पांच 6 ओवर की समाप्ति के बाद छः ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन बने हैं। अब जयदीप आहिर स्ट्राइक के ऊपर है तो जयदीप आहिर के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर सुनील बारसोल की ओर से 1100 रुपया, 2000 रुपये का इनाम हिरेन भाई यूके की ओर से 501 रुपया, लप्पी आहिर विपुल आहिर की ओर से 501 रुपया और 501 रुपये का इनाम आकाश आहिर की ओर से। लेकिन गेंदबाज के लिए भी यहाँ पर इनाम है, दीप आहिर की ओर से यहाँ पर जयदीप का विकेट लेने के ऊपर गेंदबाज को 1001 रुपए का इनाम, दीप आहिर की ओर से जयदीप बारसोल का विकेट लेंगे गेंदबाज तो 1001 रुपए का इनाम। आगे निकले और इनसाइड आउट खेला, इस बीच गेंद चाहिए सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर, तो इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 96। काफी इनाम है जयदीप के ऊपर, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर और विकेट लेंगे तो गेंदबाज के लिए भी इनाम है दीप आहिर की ओर से 1001 रुपए का इनाम। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, वहीं पर रुक गई गेंद और कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद।
पारी का सातवां ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जयदीप बारसोल, 55 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। कप्तानी पारी खेली जा रही है वहां पर बल्लेबाज की ओर से। इस बार फील्डर मौजूद है, कैच हो सकता है लेकिन नहीं, गेंद चली गई सीधे वन बाउंस के बाद डीप पॉइंट डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। तो इसी चौके के साथ चेयर ऑफ द 100 मां शक्ति कृपा 11 ने अपने 100 रन पूरे किए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी जयदीप बारसोल की ओर से क्वालिफायर मुकाबले सेमीफाइनल में यहां पर देखने को मिल रही है। पारी का यह सातवां ओवर चल रहा है और 100 रन 100 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। जयदीप बारसोल के विकेट के ऊपर 1001 रुपए का इनाम है गेंदबाज के लिए दीप आहिर की ओर से, दीप आस्तुरा। समय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जयदीप बारसोल, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी ओवल नंबर की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। इस बार रिवर्सिप पे बल्ला चलाया, फील्डर मौजूद है और आउट। यहां से 1001 रुपए का इनाम मिलेगा। गेंदबाज संदीप के नाम विकेट लिया है दीप से। पार्सल उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है जीत आहिर। इस बार कट किया है गली के ऊपर, गेंद आई है, फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद को फील किया जाए। तब तक यहां पर अब ओवर की समाप्ति, अंपायर्स का इशारा, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 102 102 रन बने हैं। आखिरी 6 गेंद से किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये क्वालिफायर यानी कि सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। वन जीरो एट एक सौ आठ रन इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर लाइव चल रहा है, जो भी इनाम लगा रहा है उनसे गुजारिश है कि पेमेंट तुरंत जमा कराए। इस बार फुल टॉस गेंद और सही नसीहत, डीप मिड विकेट के ऊपर, ऊंचाई बहुत है और दूरी भी, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। एक सौ 14 रन अब जय आहिर 44 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। पहला शतक लगाया गया है जयदीप बारसोल के बल्ले से, अब जय 44 के ऊपर है और ये 6 रन 50 रन पूरे के यहाँ से जय आहिर ने
तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी सेमीफाइनल मुकाबले में जयदीप बारसोल और जय आहिर। 16 गेंदों के ऊपर 50 रन, डगआउट की ओर बल्ला उठा दीजिए उनसे गुजारिश है। एक सौ बीस रन इस बीच टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। फुल टॉस गेंद जरूर थी इस बार, नो बॉल का इशारा, अतिरिक्त एक रन काउंट किया जाएगा। 121 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बल्लेबाज के लिए फ्री हिट। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक अकेला स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, जमीन के सारे गेंद को फील्ड किया जाएगा, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। दूसरा रन लेना चाहते हैं और ये रन आउट के रूप में विकेट मिलेगा चौथा झटका यहां से, तो 122 एक रन काउंट किया जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 122 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। नो बॉल का इशारा इस बीच शिव अग्रवाल की ओर से, 122 रन रन आउट के रूप में वहां पर विकेट हो सकता है। 123 और एक अतिरिक्त यानी कि 124, 124, 1-2 का 4, 124 रन। फ्री हिट बल्लेबाज के लिए, भर पेट खाना बिल नहीं चुकाना। इस बार आगे निकलकर इस पिच नो बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा 123 रन। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड की अगर बात की जाए तो यह हाईएस्ट स्कोर है डे नाइट गेम के ऊपर। इस बार उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 123 रन थे और यह सिक्सर लगाया है, तो यहां से टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है
आहिर को मिलने वाला ये पहला जीवन दान मिला है। अब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे आने वाला समय बताएगा। वाइट अतिरिक्त 1 रनों के साथ अकाउंट ओपन किया है ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 ने। जयदीप बारसोल समय गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से पहली गेंद के ऊपर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लिया था। फुल टॉस गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद को फील्ड किया जाए सीधे स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के फील्डर की ओर से। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ 2 ओवर सर्कल पावर प्ले 8 खिलाड़ी निर्धारित 8 ओवर का मैच 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। तो बात की जाए अब फील्डिंग की तो इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की गई है। स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है बल्लेबाज के लिए और एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है सीधे वाइड इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज प्रफुल के लिए। पॉइंट के ऊपर इस बार कट किया है आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज काफी लंबा सा चेस जरूर रहेगा फील्डर लेकिन 30 यार्ड सर्कल छोड़ने के बाद आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज तो इस प्रकार मिलेंगे 4 रन। छह रन टीम का स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 रन। इस बार फुल टॉस और सही नसीहत प्रफुल आहिर घुटने टेक और सिक्सर देख गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। फायदा उठाना होगा पावर प्ले का। इस बार कट किया है पहले दूसरे सिप से निकाला है गेंद चली गई है सीधे गली के ऊपर फील्डर मौजूद गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है डबल अंकों में 13 रन। सेमीफाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज पूरव आहिर किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे आने वाला समय बताएगा। एक जीवन दान जरूर मिला था पहली गेंद के ऊपर। अब जयदीप बारसोल फाउल एंड की ओर से इस बार लॉन्ग वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर उड़ाया गेंद को हवाई सफर करवाई और गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पूरा वाहिर के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बने हैं पारी का ये पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है वहां पर गेंद को फील किया जाए मिते साहिर की ओर से और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ मितेश इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है अपने कोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने इनसाइड आउट 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद गई थी गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक
एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21, 21 रन। इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर, जिमी मौजूद है लेकिन गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। प्रफुल्ल आहिर इस समय आक्रामक मोड में बल्लेबाजी करते हुए। इस बार स्लॉट में गेंद थी, सामने वाले प्लॉट में डिलीवर किया है। दो गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर। बल्लेबाज प्रफुल्ल आहिर इस समय आक्रामक मोड में बल्लेबाजी करते हुए। रन बने हैं पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज इस बार कट करना चाहते थे। फील्डर मौजूद है पॉइंट के ऊपर, गेंद को फील किया जाए तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। दो ओवर की समाप्ति के बाद 38-38 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन। गौरांग गज्जर यहाँ पर उपस्थित है तो उनसे गुजारिश करूंगा कि मैच खत्म हो जाने के बाद आप दो शब्द बोलिएगा। इस पर बल्ले का टॉपेज लिया है और विकेट कीपर जयदीप बारसोल का सहारा गेंदबाज को मिलने वाली पहली सफलता। प्रफुल्ल आहिर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर अभी सफलता प्राप्त की गई वहां पर गेंदबाज की ओर से। जय आहिर एक बहुत ही ऑलराउंडर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए। 50 रनों की पारी जरूर खेली गई थी वहां पर। अब अंकित खेरगाम ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। इस बार उड़ाया, फील्डर मौजूद है नीचे कैचिंग पोजिशन के ऊपर और आउट। पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर सिक्सर लगाना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑन के फील्डर के दस्तानों में। लगने वाला ये दूसरा झटका, मिलने वाली दूसरी सफलता। संदीप ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। हैट्रिक, गोल्डन गेंद हाथ में लेकर गेंदबाजी करेंगे। जय ऑन हैट्रिक। हैट्रिक के ऊपर है गेंदबाज। इस बार फुल टॉस गेंद और ये गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। फ्लैट सिक्सर बल्लेबाज के बल्ले से।
44 रन इस बार कट किया है और ये रन आउट हो सकते हैं। पूरा वाहिर आधे विकेट से वापस लौटना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। वैभव ने एक बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया, गेंदबाज के दस्तानों में पूरा वाहिर को रन आउट के रूप में पवेलियन की ओर भेजा। इस बार उड़ाया संदीप आउट ऑफ पार्क मैक्सिमम। इस बार क्रॉस बल्ला जरूर चलाया था और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन। पचास रन 50 ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 ने 50 रन पूरे किए हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली 30 गेंदें जीतने के लिए अभी भी 81 रनों की जरूरत। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हार्दिक, गेंदबाज मितेश आहिर फार्म एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला था, वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। 51 रन पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर इस समय संदीप स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। ऊंचा लगाना चाहते थे, पेड़ से टकरा कर गेंद पॉइंट के ऊपर चली गई। लेग बाई के रूप में ये रन जरूर मिलेगा और इस बीच 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 52। 52 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के साथ स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने, गेंद को फील किया जाए सीधे डीपी विकेट के फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 53। 53 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। डाउन द ग्राउंड स्टोक को खेला है, जड़ में डाली हुई गेंद थी वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर, गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन सिंगल डबल से यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। पारी के जो प्रारंभिक ओवर में आगाज किया था पूरा वाहिर ने, उसके बाद अब ये चौथा ओवर चलता हुआ थोड़े से रन औसत में यहाँ पर गिरावट जरूर आई है। फील्डिंग टीम की ओर से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है पिछले 2 ओवर में। 54 54 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। संदीप नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हार्दिक। इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर मौजूद है लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील किया था वहां पर फील्डर ने। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए और ओवर की समाप्ति, इस बीच अंपायर का इशारा आ चुका है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद।
जय गेंदबाजी के ऊपर। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला, इस बार जमीन के सहारे गेंद को फील्ड किया जाए लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए। तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 56 56 तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर। इस बार फुल टॉस और सही नसीहत, डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई सीधा आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। संदीप के बल्ले से लगने वाला है सिक्सर। सीधे शॉर्ट फाइनल के ऊपर जमीन के सारे 38 सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए। तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 63 तीन विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये पांचवा ओवर चल रहा है। फार्मेट की ओर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज लेग स्पिन डाली थी वहां पर, पढ़ने में नाकामयाब रहे और ओवर की समाप्ति अंपायर सिग्नल शिव अग्रवाल की ओर से। पांच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 63 68 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 63 रन आने वाली 18 गेंदें। अब वन वे के ऊपर ट्रैफिक बहुत है, हवाई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। आने वाली 18 गेंदें 68 रन। अब आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत। डाउन द ग्राउंड स्पष्टों को खेला था डॉट गेंद काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। बिंदी गेंद नील आहिर साइड स्किन के ऊपर जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है। इस बार उड़ाया डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। रन इसी 6 रनों के साथ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच संदीप आक्रामक मूड में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए इस बार आगे निकले और जब बल्ले से टकराई गेंद 6 रनों की मोहर लेकर निकल चुकी थी व्हाइट इज लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। दो सिक्सर लगाने के बाद 75 75 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज संदीप इस समय आक्रामक
मोड में बल्लेबाजी करते हुए इस बार युवासिफ खेला है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर हैट्रिक सिक्सर बल्लेबाज संदीप के बल्ले से। बोल आप जो सेवेंटी फाइव रन और इसी छह रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 81। तीन गेंदों के ऊपर तीन सिक्सर हैट्रिक सिक्सर लगाए बल्लेबाज ने। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है आने वाली 14 गेंदे जीतने के लिए 50 रन इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी की जाए तो अभी भी यहां पर मैच ऑन है सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। इस बार क्रॉस बल्ला जरूर चलाया था वहां पर ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गेंद बिंदी गेंद काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए 81। इस बार डॉट गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और छः ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 81 छः ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली 12 गेंदें अब जीतने के लिए 50 रन मीतेश आहिर मितला वोडाफोन के मालिक उन्होंने भी प्रस्थान किया है तो उनका भी हार्दिक स्वागत है सीजी के गेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इलेश के खास मित्र मीतेश दीप कमेंट्री बॉक्स में आकर 500-500 की दो नोट जमा करा दी है तो उनका शुक्रिया दीप। जयदीप पार्सोल इस बीच रोडेन की ओर से गेंदबाजी करते हुए डाउन द ग्राउंड स्टोको खेला इस बार इनसाइड आउट खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद चली गई है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। गेंद को फील किया जाए तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 82 रन। अब चाहिए जीतने के लिए आने वाली 11 गेंदों के ऊपर 49 रनों की जरूरत। जयदीप पार्सोल इस समय रोड एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए जिस प्रकार से तीन सिक्सर लगाए थे संदीप ने उस प्रकार बल्लेबाजी की गई तो यह मुमकिन हो सकता है। फिलहाल ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद वाइट अंपायर का इशारा तो इसी अतिरिक्त रनों के साथ 83 रन। इस बार उड़ाया कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंद चली गई सीधे व्हाइट इज लॉग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर कमेंट्री बॉक्स की ओर। संदीप इस समय आक्रामक मोड में बल्लेबाजी करते हुए रन इस समय बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब संदीप की बात की जाए तो 44 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए ठागर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा इस समय बल्लेबाजी के ऊपर। जर में डाली हुई गेंद इस बार जमीन के सारे स्ट्रोक को खेला है स्ट्रेट ड्राइव गेंद चली गई सीधे फील्डर के दस्तानों में एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज और इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 90 रन तीन विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह सातवां ओवर प्रगति के ऊपर इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है जयदीप बारसोल। कुलदीप पटियार अभी अभी आए वासदा से तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। गज्जर आपको बुला रहे हैं कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। इस बार पटकी हुई गेंद थी फील्डर मौजूद है नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और यहां से जाना होगा पवेलियन की ओर बल्लेबाज को। जयदीप बारसोल को मिलने वाली है सफलता हार्दिक कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज 90 रन।
जैनिस जैलो कलवाड़ा ने प्रस्थान किया इस समय नए बल्लेबाज के रूप में। नब्बे रन बने बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार जयदीप बारसोल। स्पार कट किया है पॉइंट के ऊपर, फील्डर मौजूद है, गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया है और इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 91 रन। चार विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का सातवां ओवर प्रगति के ऊपर। अब 7 गेंदें जीतने के लिए 40 रन। डाउन द ग्राउंड इस बार लो फुल टॉस गेंद जरूर की गई थी, वहां पर शॉर्ट लेग के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया था। तो इस प्रकार अब 7 ओवर की समाप्ति के बाद ठाकुर रॉक्स प्रति 11 का स्कोर जा पहुंचा है 92। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 6 गेंदें जीतने के लिए 39 39 रन। छोड़ती हुई गेंद वाइट का इशारा इस बीच अंपायर्स की ओर से 92 93 रन। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 38 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए आने वाली गेंद के ऊपर, यानी कि आने वाली आखिरी 6 गेंदों के ऊपर। इस पर पटकी हुई गेंद थी, गेंद चली गई सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर, गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक पहला ये सेमीफाइनल मुकाबले की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है ठाकुर रॉक्स प्रति 11 की ओर से 93 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार ऊंचा लगाया, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 50 रन पूरे किए संदीप ने अपने, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। बेहतरीन बल्लेबाजी संदीप की ओर से देखने को मिल रही है और शतक बनाया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी फिलहाल संदीप की ओर से ठाकुर रॉक्स प्रति 11 के लिए 99। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर समय बल्लेबाजी करते हुए संदीप। इस बार ऊंचाई बहुत है, दूरी नहीं, नीचे फील्डर है कैचिंग पोजीशन के ऊपर और आउट। यहां से जाना होगा पवेलियन की ओर बल्लेबाज संदीप को, लेकिन 52 52 रन बनाने के बाद कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज संदीप। कौशिक आहिर ने प्रस्थान किया है इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में। लालू 99 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार डॉट गेंद वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से, उपश्रम काफी छोड़ती हुई गेंद तो 100 रन यहां पर। चेयर ऑफ द 100 ठाकुर रॉक्स प्रति 11 100 रन पूरे किए हैं। इस पर ऊंचा लगाना चाहते थे और आउट, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाना होगा यहां से कौशिक आहिर को। नीलेश ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच लपका,
मितेश आहिर और इलेश आहिर दोनों काफ़ी करीबी दोस्त इस मुकाबले का मजा लेते हुए, और पिंटा आहिर हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में। धीरे धीरे और ये मुकाबला जीत लिया है। माँ कृपा ने फाइनल में प्रवेश किया है। अब फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में खेला जाएगा। दीप पेमेंट जमा करवाए, पेमेंट